गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल का इकाई 2 में भूगोल है, इसका पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 8 है आपका संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? मानव के लिए उपयोगी कोई भी वस्तु संसाधन कहलाती है। संसाधन वे साधन है जो प्रत्यक्ष रूप में किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु या अप्रत्यक्ष रूप में प्रौद्योगिकी एवं मानवीय कौशल द्वारा मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है? वो भी संसाधन है, हम लोग जलाने के काम करते हैं या इससे फर्नीचर तैयार होता है, और ये प्रत्यक्ष रूप से हमें मिल जाता है प्रकृति में, नेचर में। और अप्रत्यक्ष रूप से जो लिखा है वो है जैसे लोहा, लोहा क्या मिलता है? वो हम लोगों को नेचर में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, उसको क्या, उसका क्या मिलता है हम लोगों को? अयस्क मिलता है, उसके बाद हम लोहा, उससे लोहा बनाते हैं जिसे हम उद्योग में लोहा तैयार करते हैं अयस्क से। और ये मानवीय कौशल क्या है? जैसे हम लोग लकड़ी से फर्नीचर तैयार कर लेते हैं सोने के लिए, बैठने के लिए, तो ये क्या है? मानवीय कौशल है ये। आइए अब हम लोग चैप्टर से पढ़ते हैं। मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, जिन्हें वह प्रकृति से प्राप्त करके संतुष्ट होता है। प्रकृति ने मनुष्य को पर्वत, मिट्टियाँ, नदियाँ, पौधे और पशु जैसे अनेक उपहार प्रदान किए हैं। प्रकृति के इन तत्वों को संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हम लोगों की, हम लोग भोजन जरूरी है, कपड़े पहनते हैं या घर चाहिए, तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? प्रकृति से प्राप्त करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को क्या क्या दिया है? तो पर्वत दिया है, मिट्टी, नदियाँ, ये सब चीज़ जो है हम लोगों को उपहार के रूप में प्रदान किए हैं, इन तत्वों को संसाधन कहते हैं। मानव की आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है। हम लोगों की जो प्रगति होती है उनका आधार क्या है? संसाधन है। संसाधन शब्द का मूल अर्थ है पुनः उपयोग में लाना। किसी भी वस्तु को हम फिर से उपयोग में लाते हैं वो क्या है? संसाधन कहलाती है। कोई भी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य का हित या कल्याण हो संसाधन कहलाता है। कल्याण होना मीन्स जैसे अब हम लोग पैदल चलते हैं कहीं भी, और कोई कहीं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं? गाड़ी का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं, वो भी हम लोगों के लिए संसाधन है। मानव की आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है। संसाधन शब्द का मूल अर्थ है पुनः उपयोग में लाना। कोई भी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य का हित या कल्याण हो संसाधन कहलाता है। आप लोग जैसे पढ़े कि आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है, संसाधन जिसको हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और वो मनुष्य के हित में या कल्याण में कार्य करता हो तो वो संसाधन कहलाता है। वैसे तो संसाधन हमेशा से ही पृथ्वी पर विद्यमान रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने जब तक इसका उपयोग करना नहीं सीखा था तब तक ये मात्र संसाधन के भंडार थे। जैसे कि एग्जाम्पल वाइज दिया हुआ है, इसमें मनुष्य ने कोयले तथा पेट्रोलियम का उपयोग करना नहीं सीखा था तो वो तब संसाधन नहीं बने थे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब तक कोई पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं तथा इच्छा पूर्ति के योग्य नहीं होता है वो संसाधन नहीं कहा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने संसाधन शब्द की परिभाषा दी है। संसाधन शब्द की परिभाषा क्या दी है? तो जैसे जिसरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वो विशेषता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती है और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। मतलब जिसरमैन का कहना था कि संसाधन जो है पर्यावरण की विशेषताएँ हैं जो मतलब मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको सक्षम करती है और उपयोगिता प्रदान करती है। फिशर ने कहा है, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिशर के अनुसार क्या है? तो संसाधन वह वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। प्रकृति ने मानव को उदारतापूर्वक अनेक संसाधन प्रदान किए हैं जैसे भूमि, जल, खनिज एवं वनस्पति। मतलब प्रकृति ने जो दिया है वो बहुत सारे संसाधन दिए हैं। आप लोग जानते हैं कि भूमि, जैसे हम लोग खेती करते हैं उस पर,
जल, पानी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। खनिज क्या होता है? जो हम लोग खोद के निकालते हैं, ज़मीन को अगर हम लोग खोदते हैं, जैसे लोहा क्या है, एक खनिज है, हम लोग खोद के ऐश को लोहे में निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, और वन संपत्तियाँ जो वन से प्राप्त होता है। जब मनुष्य ने इन संपदा का महत्व समझा तो इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। इन सब ये सब पदार्थ क्या बन गए? ये सब सामान जो है संसाधन बन गए। मनुष्य ने इन संसाधनों के बल पर व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को पाया। क्या पाया? तो व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य क्या है? जैसे वही खेती करना, संसाधन, नए नए संसाधन, जैसे हल बनाना, बैल का उपयोग क्या करना है, उससे खेती कैसे करेंगे, या आधुनिक युग में आजकल ट्रैक्टर मशीन के द्वारा खेती करना, या जितने भी चीज़ आप देखते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक, उन्होंने लक्ष्य को पाया है। कोई भी भौतिक पदार्थ तब संसाधन बनता जब मनुष्य उसका उपयोग करता है और उसे मूल्य प्रदान करता है। मूल्य की अभिव्यक्ति नैतिक, आर्थिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक, शास्त्रीय तथा कानूनी संदर्भ में की जा सकती है। जैसे मूल्य की अभिव्यक्ति किसमें किसमें की जाती है? तो आर्थिक, आजकल अर्थव्यवस्था तो देख रहे हैं आप लोग कैसा है, सौंदर्य का, तो सौंदर्य में बहुत सारी चीज़ आते हैं, शास्त्रीय में, कानूनी संदर्भ में, इन सब में किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन काम आने वाले संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कोई भी चीज़ का अगर उत्पादन किया जाता है, जैसे अगर आप धान, गेहूँ या कोई भी चीज़ है ऐसा संसाधन, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाइए तो उसका आर्थिक मूल्य होता है। स्वच्छ वायु अधिनियम एक कानूनी मूल्य है जो वायु की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। नदियाँ, झरनों, झीलों, वनों एवं पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य है। राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण या दायित्व नैतिक मूल्य है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक मतलब वायु के गुणवत्ता का मतलब ये जो है स्वच्छता वायु अधिनियम एक कानूनी मूल्य है। जैसे हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, या नदियों को, झीलों को, झरनों को गंदा नहीं करना चाहिए, या पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे हम लोग पर्वतों से वन पूरा पेड़ सब काट लेते हैं तो उसकी सुंदरता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो ये मतलब अगर हम लोग कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं तो क्या देखना पसंद करते हैं? अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो ये क्या हो गया? सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य है। अगर हम उसको बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं। आगे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रत्येक वस्तु संसाधन है। हम लोग जो भी चीज़ यूज करते हैं वो संसाधन है। हमारा भोजन, वस्त्र, फर्नीचर, मकान, बर्तन, वाहन, सब कोई क्या है, ये सब चीज़ संसाधन है। और जितने भी पदार्थ प्रकृति प्रदत्त है तो वो भी उसका उपयोग किया गया है। जैसे कच्चे पदार्थों को पहचानना कठिन होता है क्योंकि ये वस्तुएं प्रसंस्कृत है। प्रसंस्कृत से वस्तुएं और अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान हो जाती है। जैसे कोई भी कच्चा पदार्थ होता है तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लें तो चावल या गेहूँ ले लीजिए आप, एक किलो चावल का मूल्य और उससे कोई बना हुआ चीज़ अगर आप लीजिए तो कहीं ना कहीं चावल जो है उससे जो भात बनता है या कोई और चीज़ लेते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, उदाहरण के लिए एक किलोग्राम कपास से एक किलोग्राम कपड़ा अधिक मूल्यवान होता है। तो क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खर्च लगता है बनाने में, कपड़ा बनाने में। धातुओं से बने बर्तन या उपकरण, लकड़ी से बना फर्नीचर, लोहे से बने वाहन एवं मशीनें मूल पदार्थ से अधिक मूल्यवान होते हैं। ऊपर दिए हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के सभी जड़ पदार्थ जैसे भूमि, मिट्टी, जल, हवा, खनिज, सौर ऊर्जा तथा चेतन पदार्थ, जीव जंतु, वनस्पति संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या होता है ये आप लोग समझ चुके हैं। मानव भी एक संसाधन ही है, बल्कि यह कहना उचित होगा कि मनुष्य के सबसे बड़ा एवं मुख्य संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के बिना कोई भी पदार्थ संभव नहीं बन सकता। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे मतलब हम ही लोग तो कोई किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो हम लोग भी एक संसाधन है। किसी देश के निवासी की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं तकनीकी विकास आदि अनेक गुणों के आधार पर मानव संसाधन का मूल्यांकन किया जाता है। तो मानव संसाधन का मूल्यांकन किस टाइप से किया जाता है? तो किसी भी देश के निवासी के मानसिक स्थिति, मानसिक जैसे मानसिक किसी बात करें और शारीरिक क्षमताओं से, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आजकल यहाँ पे मेट्रो भी है, लेकिन सबसे पहले मेट्रो का स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो किसी और देश में, जैसे जापान देश को अगर देख लें तो वो बहुत ही ज़्यादा विकसित देश है। वहाँ का जो है उनके तकनीकी विकास कुछ ज़्यादा ही है, डेवलप है। किसी देश की जनसंख्या यदि कम होते हुए भी स्वास्थ्य, शिक्षित तथा तकनीकी रूप से उन्नत है तो उस देश को उच्च मानव संसाधन युक्त कहा जाएगा।
ऐसे ही देश उन्नतता संपन्न होते हैं। जैसे कोई भी छोटा देश है वो क्या है, उसका स्वास्थ्य और शिक्षा या तकनीकी रूप से बहुत ही उन्नत है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल में बताएं कि जापान है, जापान बहुत ही छोटा देश है और वो बहुत ही उन्नत है। नेक्स्ट है आपका संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इस चैप्टर में बस इतना ही है, संसाधनों का वर्गीकरण तक ही है और उसका संरक्षण है और सतत कोशीय विकास तक है आपका इसमें। आप सब जब भी वीडियो देखें तो कम से कम हाथ में बुक ले करके रखिए, पढ़िए और तब सुनिए, तब समझिए। संसाधन का वर्गीकरण है नेक्स्ट टॉपिक। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, मतलब संसाधन को अनेक प्रकार से बांटा गया है। मौलिकता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर है, उपयोगिता के आधार पर है, और ये सब क्या है, संसाधनों को बांटा गया है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, जैसे भूमि, जल, वायु, ये सब, मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जिनका मनुष्य उसी रूप में अथवा उससे कुछ परिवर्तन करके उपयोग करता है। वो संसाधन पृथ्वी पर सदैव ही विद्यमान रहता है, हमेशा से ही है, यहाँ तक कि आदि मानव युग में भी था और आगे भी रहेगा, और अपनी अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधन से ही करता है। जो भी आदि मानव युग में भी मानव अपने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मानव निर्मित संसाधन में, ये तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, अब मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो यह मशीन जैसे यंत्र, उपकरण, वाहन आदि शामिल हैं। जैसे शीशा की बात करें तो जैसे हम लोग जिसमें फेस देखते हैं वो भी क्या है, मानव निर्मित ही है, वो नेचर में नहीं मिलता है। ये मनुष्य के जीवन को, और मानव निर्मित संसाधन में जैसे मशीन, यंत्र, उपकरण है, ये सब क्या करता है, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाते हैं और अनेक प्रकार से इसके उपयोग में करते हैं हम लोग। इन संसाधनों का निर्माण जो है मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से ही करता है। करते तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के ही सहयोग से, लेकिन क्या है, तो ये संसाधन हम लोग खुद तैयार करते हैं। इसके पश्चात वह इस्पात बनाता है, इस्पात से वह अनेक प्रकार की मशीनें तैयार करता है। इस्पात क्या है, स्टील। स्टील किस चीज़ से, स्टील किसी दो धातु से मिलकर बना होता है और इससे कई प्रकार के मशीन तैयार किए जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन को भी हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। अन्य शब्दों में मनुष्य प्राकृतिक संसाधन को सांस्कृतिक संसाधन में परिवर्तन करता है। हम लोग जैसे प्रौद्योगिकी, किसी के भी निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है, और मनुष्य प्राकृतिक संसाधन से सांस्कृतिक संसाधनों में परिवर्तन करता है। इस दृष्टि से मकान, मशीनें, परिवहन के साधन, उपकरण आदि मानवीय संसाधन है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, मशीन कोई भी है या परिवहन के साधन है, तो ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आर्थिक विकास में, जैसे आर्थिक विकास क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, इन सब मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। मानव द्वारा अपने परिश्रम एवं बुद्धि कौशल से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा भी किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, खेती करना, भवन बनाना, सड़कें एवं रेल निर्माण आदि करना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के द्वारा ही हम लोग बहुत सारे संसाधनों का उपयोग, मतलब बनाए हम लोग खुद अपने से। इसी प्रकार जल का प्रयोग सिंचाई करने, जल विद्युत बनाने एवं घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये जो है प्राकृतिक में मिलता है जल, लेकिन इसका उपयोग हम लोग संसाधन कैसे बनाएं, तो हम लोग खुद बनाएं। नदियों पर बांध बनाकर मानव को जल के अनेक उपयोग कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे अगर नदियों पर बांध बना देते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली भी बना सकते हैं या खेती में उसका उपयोग कर सकते हैं। खनिजों का प्रयोग अनेक वस्तु बनाने तथा ऊर्जा के लिए किया जाता है। जैसे खनिजों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत तरह के वस्तु बनाते हैं और ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। वनों से अनेक उपयोगी उत्पाद एकत्र किए जाते हैं। वन से भी बहुत से उत्पाद, जैसे वन से क्या क्या, तो लकड़ियाँ काटते हैं हम लोग, लकड़ी है, लकड़ी से बहुत तरह के चीज़ बनते हैं, फर्नीचर, यहाँ तक क्या कागज़ जो बनता है वो भी वनों के लकड़ियों से ही बनता है। प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन दोनों में क्या है अंतर, ये आपको हम बताते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनकी आपूर्ति सदैव बनी रहती है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे
सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का यूज हम लोग अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो उसका यूज हम लोग लगातार करते रहे। जैसे पानी का, अगर पानी का यूज कर लेते हैं तो वो फिर क्या होता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। यानी तो पानी अगर हम यूज कर लेते हैं तो वो अगर धूप से, जल चक्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो वो समझ लीजिए, जीव जंतु, मानव वन संपत्तियाँ, जैसे वन से कोई भी चीज़ है अगर लकड़ियाँ काट के लाते हैं, अगर हम फिर से लकड़ी पौधे बो देते हैं तो उससे हमको पेड़ पौधे मिल जाते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसका बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं पृथ्वी पर अनंत काल तक, मतलब बहुत समय तक, और ये विद्यमान रहते हैं या रहेंगे, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसे खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जो पृथ्वी के हम लोग भूगर्भ से, मतलब पृथ्वी को खोद के निकालते हैं और इनकी मात्रा सीमित है, जैसे लोहा, कोयला, खनिज तेल आदि, निकलने के बाद इनका दोबारा निर्माण नहीं कर सकते हम लोग, ये बहुत दिन से बनता है। जैसे कोयले का निर्माण भी आप लोग पढ़े होंगे, यही कारण है कि इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा इसका संरक्षण करना चाहिए। और नवीकरणीय संसाधन जितने भी हैं इनका क्या है, हम लोग को थोड़ा सावधानी के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर हम लोग अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक समय के साथ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और हमारा आने वाली पीढ़ी जो है, भविष्य जो है, वो इन सब चीज़ को देख भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है आपका जैविक एवं अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होता है, जो जैव मंडल के सभी जीवित संसाधन अर्थात मानव, जीव जंतु, वनस्पति शामिल है। उल्लेखनीय है कि कोयला एवं पेट्रोलियम को भी जैविक संसाधन माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वनस्पति से ही हुआ है और जीव जंतु के अवशेषों से ही हुआ है, और ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जीवों के अवशेषों से निर्मित। जैविक और अजैविक संसाधन के, जैविक संसाधन क्या है, जो जीव से मिलता है। तो आप लोग देखें कि पेट्रोलियम जो है और कोयला जो है, ये क्या है, जैविक संसाधन कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, और ये जीवों के अवशेषों से ही निर्मित है। और अजैविक क्या है, तो स्वयं मानव एक जैव संसाधन है, जो जब जैव संसाधन का उपयोग करता है, जीव जंतु तथा वनस्पति तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कोयला एवं पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। प्रयोग में आने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी पूर्ति संभव नहीं है। चट्टाने, मिट्टी, खनिज, जल आदि अजैव संसाधन है। इसमें मिट्टी, चट्टानों और जल भी नवीकरणीय योग है, लेकिन खनिज क्षयशील होते हैं, जिन्हें नवीकरण करना संभव नहीं है। आप लोग ये जो है जैविक और अजैविक, अजैव संसाधन क्या है, वो संसाधन जो जैव संसाधन का उपयोग करता है, जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, तो चट्टानों से हम लोग एस्क निकालते हैं, लोहा बनाते हैं, मिट्टी का खेती करने के लिए, खनिज का यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, अजैविक संसाधन है, और इसका नवीकरण नहीं कर सकते हैं। और जो नवीकरण करना संभव नहीं है वो क्या होता है, वो क्षयशील होता है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कच्चा माल, खाद्य पदार्थ एवं ऊर्जा संसाधन, वो अभी जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आप लोग बुक से रीडिंग ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा तो हमसे शेयर कीजिएगा।